सीरियल उडारिया की बात करें तो शो में तेजो ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से तेजो के ससुर जी तेजो पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। जो ससुर जी तेजो को बेटा मानते हैं, जो ससुर जी ने तेजो को ये कहा है कि हमेशा उसके साथ रहेंगे, आज वही ससुर जी जो हैं वो तेजो पे गुस्सा हो गए। अब आप सोच रहे होंगे क्यों, तो आपको बताते चले कि यहाँ पर तेजो जो है अपनी सास को उनकी बेटी का एक कोलाज बना के देती है। बहुत ही प्यारा वो कोलाज होता है जिसमें कई फ़ोटोज़ होते हैं। अब यहाँ पर सास कहती हैं ये सारे फ़ोटो मैंने गुम कर दिए थे, लेकिन तेजो तुमने इन फोटो को ढूंढ कर और इतना सुंदर इसका कोलाज बनाया है, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन तब तक वहाँ ससुर जी आते हैं और उस फोटो को लेकर फेंक देते हैं बाहर और कहते हैं जो शख्स अपनी फैमिली की इज्जत नहीं करता है उसकी इज्जत हमारे घर में भी नहीं है, आइंदा से तेजो कभी भी तुम इस तरीके की हरकत मत करना, इसे हम लोगों ने अपनी फैमिली से निकाल दिया है। वेल, यहाँ पर तब तक फतेह भी आ जाता है। फतेह आता है और ये देखता है ये सब, तो वो तेजो को रूम में ले जाकर कहता है कि कहीं ना कहीं पापा सही है, सिमरत दीदी ने गलत किया था, पापा के खिलाफ जाकर उन्होंने ये बड़ा कदम उठाया था। लेकिन ये भी कहता फतेह कि कभी कभी ऐसे सिचुएशन हो जाते हैं कि आदमी कुछ नहीं कर पा रहा है, और वही तेजो मेरे साथ भी हो रहा है, मेरे साथ भी सिचुएशन कुछ ठीक नहीं, मैं जितना जैस्मीन से दूर जाना चाह रहा हूँ उतना ही नज़दीक होता जा रहा हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। ये सब बातें जो फतेह है वो तेजो से कह देता है। तेजो अवाक बस देखते रह जाती है फतेह को। लेकिन क्या सचमुच ये फतेह ये बातें तेजो को कह रहा है या फिर सिर्फ और सिर्फ एक सपना है फतेह का? तो आपको बता दें कि ये सिर्फ सपना होता है फतेह का। देखना दिलचस्प है कि कैसे रंगे हाथ पकड़े जाएंगे फतेह और जैस्मीन। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मनीषा सिन्हा की रिपोर्ट, वेब 23 न्यूज़।